सर एनएसजी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए एनएसजी के लिए मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। देखो अब ठीक है, ये भी टॉपिक काफी अच्छा है। काफी लोग के अंदर ये डाउट है, अगर हमें एनएसजी में एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या हम एक्टर बन नहीं बन सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो अगर आपको एनएसजी में अगर एडमिशन लेना है तो कम से कम आपको भाई ग्रेजुएट करना कंप्लीट है। आप चाहे बीए करो चाहे बीएससी से कंप्लीट करो, हमें नहीं पता, आपको ग्रेजुएशन करना कंप्लीट है, कंपलसरी है, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास ना 6 थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो हम बात करें ना प्ले वगैरह होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके आपके पास उनका नॉर्मल जो आपके पास फोटोज होती हैं, पेपर कटिंग होती है, आपको प्रूफ करना होगा कि हाँ मैंने 6 प्ले किए हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतना सिंपल नहीं है। आप खुद समझ सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया में से 25 से 26 लोग लिए जाते हैं, तो मामूली बात नहीं है। तो आपको पहले उसमें उसमें आने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम ट्रेन एक्टर बनना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पहुंच पाएंगे, तब आपका एडमिशन होगा। अगर आप ट्रेंड एक्टर नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे एक्टिंग में, तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। एक बार फिल्मों में काम मिलना, सीरियल में काम मिलना बहुत आसान है, लेकिन एनएसडी में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए।